हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी कि आपके पास पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो अब तक हम 4 मेथड्स कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को 4 के 4 मेथड से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पूरे चैप्टर की रिविजन हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो हम इनको सोल्व करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है 8x + 5y = 9, ये 1। इसी तरह से एंड 3x + 2y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की, अब आप देखें किसी का भी कोएफिशिएंट ना एक्स का ना वाई का 1 नहीं है, तो आप किसी को भी यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, यहां से वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या फिर यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या फिर यहां से वाई की वैल्यू इसमें निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। कोई सा भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 8x = 9 - 5y और x = 9 - 5y/8। तो ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x + 2y = 4। तो 3 × x की वैल्यू है 9 - 5y/8 + 2y = 4। अब डिवाइड में 8 आ रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाइंग 8 वी गेट। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो कट जाएगा, 3 से तो मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 - 15y, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16y और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब यहां से 27 - 15y और + 16y, तो प्लस का y रह जाएगा 32। यहां से y = 32 - 27, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू, चलो ये इधर कर देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसमें पुट कर देते हैं x = 9 - 5y/8। तो x आ जाएगा हमारे पास 9 - 5 × y की वैल्यू 5/8। x = 9 - 25/8, x = 9 - 25, तो माइनस के 16/8, तो 1 पे और ये 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 8x + 5y = 9 है, यहां x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो 8 × -2 + 5 × 5 = 9, -16 + 25 = 9, माइनस के 16 और प्लस के 25, तो 9 = 9 यानी कि ट्रू है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से देखते हैं।
अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए हम इसको पहले लिख देते हैं 8x + 5y दैट इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास 1 है, और 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 4, ये 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सारे काम को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितने भी टर्म है उन सबको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x + 5y - 9 = 0, इसको 3 मान लेते हैं, और ये 3x + 2y - 4 = 0, इसको 4 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 विद क्या a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 8, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9। इसी तरह से a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जो डायग्राम होता है वो बना लेते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 यहां पे x y और 1। अब यहां से हम x y और 1 लिखते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहां से हम x y और 1 लिख लेते हैं, b1 b2 है हमारे पास 5 और 2, c1 c2 -9 और -4, a1 a2 8 और 3, और फिर हमारे पास b1 b2 5 और 2, तो ये हमने कर लिया। अब आप देखेंगे अब हम किस तरह से करेंगे, x डिवाइड बाय इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस के 20 हुए -20, माइनस पहले लगाएंगे और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 18, माइनस प्लस हो गया इक्वल टू y डिवाइड बाय इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 27, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32, तो ये प्लस का 32 हो जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 16, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 15, तो यहां पे x डिवाइड बाय -2, y डिवाइड बाय 5 और ये 1 डिवाइड बाय 1। अब हम सोल्व कर लेंगे इसको फर्स्ट और थर्ड पार्ट से, सेकंड और थर्ड पार्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट x डिवाइड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x की वैल्यू -2 आई, ठीक इसी तरह से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट y डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y की वैल्यू 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन मेथड और ग्राफ मेथड से और कर लेते हैं तो ये आपके पूरे चैप्टर की रिविजन करवा देगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से भी इसको सोल्व करें। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।